बेशन कम और चूना, मैदा और आटा ज्यादा लग रहा है। हाँ हाँ लगा दो तुम मेरे दांतों में पूरा लिपस्टिक, पूरा रंगीन बना दो मेरे दांत को। और बाहर जाके जब भी मैं हंसूंगी ना, ताकि लोग देख के ये कहे कि ये जो दुल्हन है ना, ये एक नंबर की गुटखाखोर है। मेरी जो बची कुछ इज्जत है ना, इसको तुम पानी में मिला के लोगों को पिला दो, तब मिलेगी तुम्हारी आत्मा को शांति। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफ्रिन एंड गाइस, आज मैं जा रही हूं वोर्स मेकअप आर्टिस्ट के पास दूसरे बार। मतलब कल मैं गई थी शादी का मेकअप, आप लोगों ने देखा होगा। एंड आज है रिसेप्शन वाला मेकअप, तो आज मैं जा रही हूं वहां पे। एंड उसके पहले मैं बता देती हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे ना, तो मैं जो आज का मेकअप होगा उसी लुक के साथ मैं पब्लिक में जाने वाली हूं और पब्लिक रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट आपको खाली एक लाइक करना है। इतने सारे लोग देखते हो बट कोई लाइक ही नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है। आप लोगों के लाइक से ना कॉन्फिडेंस मिलती है मुझे, तो प्लीज एक लाइक कर देना। एंड गाइस चलो बहुत कर लिया बकबक, अभी चलते हैं जाके बैठ जाते हैं मेकअप करने के लिए। सो लेट्स गो। तो गाइस मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अच्छे से बैठ के सेट हो गई हूँ, इनका हेयर स्टाइल और साड़ी पहनना हो गया है। और आज बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से मेरे जो फेस है इसके 12 बज गए हैं और बाकी 12 ये बजा देगी। कोई क्रीम नहीं है आपके पास पहले लगाने के लिए? আরে এখন এত পরিমাণ গরম হচ্ছে, মুখ তোমার এমনিতেই ঘেমে গেছে, বেশি ক্রিম উল্টো পাল্টা লাগালে ঘেমে যাবে, মেকআপটাই নষ্ট হয়ে যাবে। इनका जो लॉजिक है वो तो मेरे पल्ले नहीं पड़े। अब जो भी हो, बगैर उन्होंने मेरे फेस को साफ किए फाउंडेशन थोप दिया उसमें। वैसे ये फाउंडेशन कम और चूना, मैदा और आटा ज्यादा लग रहा है। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है ये मुझसे। यार कुछ तो रहम करो मेरे स्किन के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि ये फाउंडेशन नहीं, ये चूना वाला फेशियल हो रहा है मेरे ऊपर, उससे भी बदतर। बहुत ही ज्यादा हो गया, एक तो बेशी हो गया छे। क्या एक तो बेशी होएगा छे? नहीं दीदी, बहुत ज्यादा बेशी होएगा छे। मतलब ये जो औरत है ना, इसको फेशियल वगैरह ये सब में ये एक्सपर्ट है, काफी अच्छे से करती है, बहुत ज्यादा अच्छा है। और मेकअप को भी ना वो उसी लेवल पे लेके जा रही है। सोच रही है कि दोनों सेम चीज है, फेस पे ये वो लगा देते हैं, हो जाता है मेकअप। ये क्या है? फेस पाउडर। तो ये भयंकर चूना वाला जो फेशियल है ना, इसको वो अभी सेट कर रही है एक कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ। আজকে তুমি রেকর্ডটা না করতেই পারতে, আমার এরপরে আর একটা মেকআপ আছে, তো একটু তাড়া আছে আমার। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो खाली ऐसे ही मतलब पकड़ के रखी हूँ कैमरा, आप करिए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब दिक्कत होगा आप बताना, मैं कैमरा बंद कर दूँ। वैसे मुझको जैसा भी मेकअप कर दो वो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं तो सोच रही हूँ उस बेचारी के बारे में जिसकी रियल शादी होने वाली है, बस आप लोग दुआ करना ताकि उसकी शादी टूटने से बच जाए। ये क्या है? ये मेकअप तो অনেকক্ষণ ভালো থাকবে, তো সেই জন্য এটা দিতে। বাট ये तो लास्ट में देते हैं ना? না এটা লাস্টে আবার একবার দেব, এখন আর একটু দিয়ে নিলাম, তাতে গরম পড়ছে তো খুব, মেকআপটা ভালো থাকবে। আচ্ছা ये মেকআপ ফিক্সার है, मुझे तो लगा ये कीटनाशक होगा, और कीटनाशक छिड़क रहे हो आप मेरे ऊपर। সে ব্রোটা আজকে আগের দিন তো ভিজে রয়েছে, তো আজকে রাউন্ডে করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? রাউন্ড में अच्छा लगेगा दिखने में। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো লাগবে। अब चलो देखते हैं राउंड ब्रोज पे मैं कैसी दिखती हूँ। पिछली बार शादी का मेकअप तो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने दो बड़े बड़े पहाड़ उगा दिए थे मेरे आईब्रोज पे। और इस बार देखना है कि ये पहाड़ उगाती है या फिर नदी उगाती है या फिर रावण की मौसी बनाती है, वो तो आगे ही पता चलेगा। ये बहुत मोटा नहीं हो गया है? मतलब इस साइड में आप शायद देख नहीं पा रहे हो, यहाँ पे देखिए बढ़ गया है बहुत। जी कोई बात नहीं। अब रावण की मौसी का नाम लिया और वो हाजिर हो गए। आप लोग देख सकते हो मेरी आईब्रोज का क्या हालत बना दिया। पिछली बार पहाड़ फिर भी ठीक ही था, इस बार तो मतलब बेकार सा बना है। तो उस चीज को अभी वो एक साफ कर रही है कपड़े के मदद से, क्या कपड़ा है मुझे नहीं पता, जो भी हो। बट उसके बाद वो फिर से उसको ड्रॉ कर रही है, और इस बार वो मेरी आईब्रोज को ड्रॉ किया है एकदम शिनचैन की मौसी जैसी। वैसे थोड़ा थोड़ा ट्रेन की पटरी जैसे भी मुझे लग रही है। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। जी लाल सबुज আছে, লাল সবুজটা মিলিয়ে দি। আপ উস হিসাব সে কর দিজিয়ে। আচ্ছা আপ এসে আই মেকআপ কর রহে হো, আপ ইহাঁ পে মতলব কনসিলার নহীঁ লাগাওগে? না কনসিলারটা তো দাগ থাকলে মুখে লাগাতে হয়, তোমার মুখে তো কোনো দাগ নেই, ওটা দরকার নেই। আচ্ছা নেই ফির ভি মতলব আই মেকআপ করনে কে পহলে না কনসিলার লাগানা लगाने से अच्छा होता है मेकअप। वैसे ये ज्ञान उनको ज्यादा पसंद नहीं आया, उनका फेस से वो पता चल रहा था। बाकी उन्होंने मेकअप कंटिन्यू करना ही ठीक समझा। अच्छा तुम्हारा आगे दिनेर मेकअप तो देखे कि गुल्लो भालो लगे चिल्लो शबर? जी मतलब ठीक ठाक सबको लगा था, पूछ रहे थे सब, मतलब सभी पूछ रहे थे कि मेकअप कहाँ से करवाया। अच्छा की बोल ले तुम्हें? मैंने कहा यहाँ से करवाए, काफी दूर है ना, तो यही सब पूछ रहे थे।
আমার এখানে অনেক দূর দূর থেকে আসে সবাই, বলতে পারতে অসুবিধা হতো না, আমি বাড়িতেও গিয়ে করাই। আচ্ছা হ্যাঁ, আগে কিছু আচ্ছা লাগে পছন্দ হয় তো ম্যাম বতা দুঙ্গি ফির, বরনা ইতনা দূর আকে না কোই মেকআপ তো নেই করবায়েগা না। ইমার্জেন্সি গেলে, বাড়িতে গেলে এক্সট্রা চার্জ আছে সেটা কিন্তু বলে দিও। ও আচ্ছা আচ্ছা, এক্সট্রা চার্জ ও দেতা। হ্যাঁ ম্যাম বতা দুঙ্গি। না আমি এতটা রাস্তা যাব, আমার তো একটা যাতায়াতের খরচ আছে না। জি জি ও তো হ্যাঁ, আনে জানে কা काफी दूर है ना। कोई पागल ही होगा जो मेरे यहाँ से वहाँ पे जाएगा मेकअप करवाने के लिए आपसे, और वो डबल पागल होगा जो आपको एक्स्ट्रा खर्चा देके यहाँ पे बुला के मेकअप करवाएगी। सच में यार, ऐसे भयंकर मेकअप तो मतलब लोग आंख बंद करके भी इससे काफी अच्छा मेकअप करता है आजकल। और आई मेकअप देखो मेरा, पूरा तरबूज जैसा, आधा इन्होंने लगा दिया ग्रीन और आधा लगा दिया इन्होंने रेड। सच में मैं पूरा तरबूज का एक कॉम्बो दिख रही हूँ, दोनों तरबूज दोनों आंखों पे इन्होंने बिठा दिया। बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है फिर इसको ना ड्राई होने तक थोड़ा सा रहने देते हैं। जी मैं नीचे आईलाइनर करा लूं तो कैमरा एक बंद करो ताले हमारा असुविधा हो जाए। जी जी। अब आंखों के नीचे आईलाइनर लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरी ये आंखें हैं ना, इसको तरबूज से उल्लू में कन्वर्ट किया गया है, और इसी आंखों को भयंकर इफेक्ट देने के लिए यूज किया जा रहा है मस्कारा। और ये मस्कारा लगाने का टेक्निक बहुत ज्यादा भयंकर है, ऐसा लग रहा है कि आंखों का ऑपरेशन चल रहा है मेरा। बस आप लोग दुआ करना ताकि ये निकल के बाहर ना आ जाए, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। तो जो भी हो, अभी वो लगा रही है आईलैशेस, और ये आईलैशेस पक्का किसी का यूज किया गया होगा क्योंकि इसमें ना पहले से ही काफी सारे ग्लू लगे हुए थे। और ये लेडी ना इतना ज्यादा हड़बड़ी कर रही थी कि कोई काम अच्छे से कर ही नहीं रही थी, मुझे सब कुछ फिक्स करना पड़ रहा था क्योंकि मुझे भूत बना के स्वर्ग भेजने के बाद वो किसी और के पास भी जाने वाली है, उसको भी भूत बनाने वाली है। अच्छा आप मतलब कॉल का करोगे आज? ना ना, आज के सिंपल था, आज के वो बात तो सिंपल है, तो भला दिखा रहे विशेष ये तो वैसे सच ठीक है। ठीक है ठीक है, फिर और क्या बाकी है कर लीजिए। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा प्लान बनाया इन्होंने, मतलब उनको जल्दी वहाँ पे जाना था इसीलिए उन्होंने मुझको ऐसे जैसे तैसे काम करके मुझको छोड़ने का प्लान है इनका। हाँ हाँ लगा दो दांतों में तुम पूरा लिपस्टिक में, ये जो दांत है ना पूरा रंगीन कर दो, और रिसेप्शन में जाके जब भी मैं हंसूंगी ना ताकि लोग देख के ये कहे कि ये जो औरत है ना ये एक नंबर की गुटखा खोर दुल्हन है, और मेरी ये जो इज्जत है ना इसको तुम पानी में मिला के लोगों को पिला दो, और तभी जाके मिलेगी तुमको शांति जिंदगी भर के लिए। तो अभी वो लगा रही है ब्लश, और इस ब्लश से ना वो मुझे पूरा टमाटर की टोकरी बनाने की कोशिश कर रही है। आप देखो भर भर के ब्लश लगा रही है वो एकदम। नहीं नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं इसलिए हल्का कर रही हूँ थोड़ा सा। ना ना बेशी डीप होले तो भला लगे, गोल लाल लाल गाल। हाँ पता है लाल लाल गाल सबको पसंद है, बट इतना भी पसंद नहीं है किसी को, मतलब मैं तो पूरा चमेली जैसी दिख रही हूँ। तो और मेकअप कुछ करना है आपको? मैं सोना गहना जहाँ से शेगला दा पड़ी है जी 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 मैं वहाँ पे है। अब सोना गहना तो मेरे पास नहीं है, बस यही पुराने कुछ चीजें हैं वो मैंने पहन लिया, और जल्दी जल्दी में इन्होंने तो मांग टीका भी नहीं पहनाया मुझको, वो भूल गई एकदम से। बट पैसा ना वो बराबर लेने वाली है। ठीक है फिर कितना देना पड़ेगा बताइए। आगे बारे जा दिए चले सेटा ही दे रहे फर्स्ट। ठीक है जी। ठीक है फिर थैंक यू। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी मैं घर वापस आ गई हूँ, एंड ये मेकअप देख सकते हो आप कितना सुंदर मेकअप है। उसके साथ साथ ये दो सांप भी लटक रहे हैं मेरे हेयर से। एंड गाइस इसी भयंकर शक्ल को लेके मैं भी जाने वाली हूँ। तो जो लोगों को पब्लिक रिएक्शन देखना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को देखना है। एंड अगर नहीं देखना है तो क्या बताओ, आप लोग सोचो कि ऐसे भयंकर शक्ल लेके अगर मैं कोई भी पब्लिक प्लेस पे किसी मॉल पे किसी रेस्टोरेंट पे मैं गई तो रिएक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा लोगों का रिएक्शन क्या होने वाला है। तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले ना आप लोग देख लो इस भयंकर प्यारे से शक्ल का क्लोज लुक अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो
पसंद आया और पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस आप लोग ना मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो यार, कोई करते नहीं हो, वहां पे मैं अपडेट्स देती रहती हूँ बताती रहती हूँ आप लोगों को, आप लोगों से कितना ज्यादा आइडियाज लेती हूँ मैं। बट आप लोग ना क्या बताऊँ यार, क्या कर रहे हो, जाओ फॉलो कर लो। एंड गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, चुड़ैल वाली किसी, बाय।